मेरे ईश्वर मेरा मन ही तुम्हारा धाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ईश्वर मेरा मन ही तुम्हारा धाम हो जाए। मेरे जीवन का क्षण प्रति क्षण तुम्हारे नाम हो जाए। मेरी हर सांस मीरा का भजन तुलसी की चौपाई। बाबा, मेरी हर सांस मीरा का भजन तुलसी की चौपाई। जपूं जो वाल्मीकि सा, भजूं जो वाल्मीकि सा, मरा भी राम हो जाए। क्या बात है, जपूं जो वाल्मीकि, बहुत खूब, मरा भी राम हो जाए। क्या बात है। आज राजभाषा सप्ताह का ये कार्यक्रम चल रहा है, चार पंक्तियां हिंदी कोनी। स्वागत है, स्वागत है। हम साहित्यकारों का दायित्व तो होता है, चार पंक्तियां पढ़ता हूं हिंदी क्या है। समुन्नत मान हिंदी है, समुन्नत शान हिंदी है। समुन्नत मान हिंदी है, समुन्नत शान हिंदी है। विधाओं के विविधता की, विधाओं की विविधता के गुणों की खान हिंदी है। बहुत खूब। केशव सूर मीरा जायसी ने शब्द से सींचा। केशव सूर मीरा जायसी ने शब्द से सींचा। हमारी राष्ट्रभाषा हो मेरी पहचान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी राष्ट्रभाषा हो, क्या भावना है, पहचान हिंदी है। कब राजभाषा से राष्ट्रभाषा हो, ये उत्कंठा मन में है, ये सद्भाव हिंदी के प्रति। और चार चार पंक्तियां पढ़ के एक छोटा सा गीत पढ़कर स्थान स्वागत है। कुछ हम क्या लिखते हैं और हमें क्या लिखना चाहिए, चार चार पंक्तियों पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे पत्रकार भाई संजय सिंह जी भी बैठे हैं। मैं सभी रचनाकारों की तरफ से ये चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, चाहे वो कलमकार जिस विधा का हो, कवि, लेखक, शायर, पत्रकार, जो भी हो, सबके लिए चार पंक्तियां। हमें क्या लिखना है कि शिखर को शून्य से साधे उसे संघर्ष लिख देना। क्या बात है। शिखर को शून्य से साधे उसे संघर्ष लिख देना। परिश्रम को ही जीवन का परम उत्कर्ष लिख देना। हंसी हर किज नहीं लिखना उसे जो दर्द दे जाए। खुशी से गैर भी खुश हो उसे ही हर लिख देना। क्या बात है। खुशी से गैर भी खुश हो उसे ही हर्ष लिख देना। और कविता क्या है, चार पंक्तियां पढ़ के गीत पढ़ता हूँ, पढ़ दें। ठीक ठीक, धन्यवाद। एक नन्हा सा गीत कि भले जीत को हार लिखूं, आंसू को भी अंगार लिखूं। क्या बात है, वाह। उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ता हूं गीत कि भले जीत को हार लिखूं, आंसू को भी अंगार लिखूं। भले लिखूं पतझड़ बहार को, फूलों को भी खार लिखूं। विद्या वाचस्पति को कैसे अनपढ़ और गंवार लिखूं। कैसे अधनंगे अंगों पर बोलो मैं श्रृंगार लिखूं। कैसे अधनंगे अंगों पर बोलो मैं श्रृंगार लिखूं। भले जीत को हार लिखूं, बंद रखता हूं। चापलूस गर्दब स्वर वाला को किलकंठ कहता है। लाख
दोगुनी सुंदर चेहरा सबके मन को भाता है। संस्कार मर्यादा वाली रस्में पिछड़ी बात हुई, मानवता का धर्म मिट रहा बदनीयत बदजात हुई। मानवता का धर्म मिट रहा बदनीयत बदजात हुई। गुरुकुल और मदरसे जुड़ते, गुरुकुल और मदरसे जुड़ते उग्रवाद की तार लिखूं। कैसे अधनंगे अंगों पर बोलो मैं श्रृंगार लिखूं, कैसे अधनंगे अंगों पर बोलो मैं श्रृंगार लिखूं। सर्वोपरि हुआ अपना हित, बात कहाँ ईमानों की। झूठी कसमें रोज खा रहे गीता और कुरानों की। मनुष्यता का क्षरण हो रहा मात्र दिखावा छलता है। दया और अनुराग कहाँ अब किसी के उर में पलता है। दया और अनुराग कहाँ अब किसी के उर में पलता है। पुत्र पिता का हत्यारा, पुत्र पिता का हत्यारा, रिश्तों का बलात्कार लिखूं। कैसे अधनंगे अंगों पर बोलो मैं श्रृंगार लिखूं। क्या बात है, क्या बात है। मैं श्रृंगार लिखूं, बोलो मैं श्रृंगार। और अंतिम बंद इसके लिए पूरे गीत को लिखा मैंने कि अग्रज और अनुज को, अग्रज और अनुज में मर्यादा का कोई धर्म नहीं। अग्रज और अनुज में मर्यादा का कोई धर्म नहीं। चेहरे पर घूंघट का क्या जब आँख में कोई शर्म नहीं। चेहरे पर घूंघट का क्या जब आँख में कोई शर्म नहीं। हम पश्चिमी सभ्यता के फैशन का झूला झूल रहे, हम पश्चिमी सभ्यता के फैशन का झूला झूल रहे। सुदी बदी प्रतिपदा अमावस और पूर्णिमा भूल रहे, सुदी बदी प्रतिपदा अमावस और पूर्णिमा भूल रहे। अमर्यादित रहन सहन का, अमर्यादित रहन सहन से पनप रहा व्यभिचार लिखूं। कैसे अधनंगे अंगों पर बोलो मैं श्रृंगार। वाह 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 वाह। कैसे अधनंगे अधरों पर बोलो मैं श्रृंगार लिखूं। बहुत खूब।